आज 23 दिसंबर है और आज एक ऐसे महापुरुष की, एक ऐसे महामना की, एक ऐसे विभूति का बलिदान दिवस है जो एक स्वतंत्र लेखक, विचारक, पत्रकार, समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्रांतिकारी और भारत राष्ट्र की संस्कृति के लिए जीवन जिन्होंने समर्पण किया है। उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी 1856 को जालंधर के पास तलवान गांव में हुआ। पिता उनके पुलिस में थे, तो पुलिस में होने के कारण उनके पिता के यहाँ वहाँ बहुत स्थानांतरण हुए। 1857 की क्रांति में दयानंद सरस्वती ने विभिन्न स्थानों पर जो सभाएं ली या प्रवचन उनके हुए या लोगों से बातचीत की, उसका प्रभाव उनके पिता पर भी था। 1857 की क्रांति का जिस तरीके से क्रूरता से अंग्रेजों ने दमन किया, वो प्रभाव भी उनके पिता पर था। यही प्रभाव स्वामी श्रद्धानंद के बचपन जीवन पर पड़ा। उनका नाम जो रखा गया वो मुंशी राम मिंज रखा गया। आगे चल कर के जब उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लेने में एक बहुत लंबा अवधि बीती। वो उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में बरेली में जब दयानंद सरस्वती जी पधारे और उनको वहाँ पर सुना, तो वो आर्य समाज से जुड़े। पत्नी का विवाह भी आर्य समाज से हुआ। उस सत्यार्थ प्रकाश उनकी अनियमित आता था, इस नाते वो 19 वर्ष की आयु से समाज के जागरण में, राष्ट्र की सेवा में और संस्कृति के निर्माण में वो जुट गए। और घूम करके ये जो आज कई बार हमसे चर्चा होती है, इसको सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित किया कि पूजा पद्धति अगर अलग है उससे राष्ट्रीयता नहीं बदलना चाहिए। और उन्होंने जो बलपूर्वक या लोभ से या आतंक से जो धर्मांतरित व्यक्ति थे, उसका एक अभियान चलाया देश भर में, शुद्धि का एक अभियान चलाया। उन्होंने मुस्लिम विद्वानों से भी संपर्क किया और वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के परिक्षेत्र में एक बड़ी आम सभा का आयोजन किया और वेद की ऋचा से उन्होंने अपना उद्बोधन आरंभ किया और ओम शांति पर समापन किया। और उसमें जो मुस्लिम बंधु थे उन्होंने अल्लाह अकबर के उद्घोष के साथ में उनका शासन किया। वो कांग्रेस में भी रहे, तो कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस का 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन था उसमें उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा जो किसी वजह से पारित नहीं हो पाया। और उनकी लाला लाजपत राय, डॉक्टर मुंजे और लोकमान्य तिलक, कांग्रेस में इनसे उनकी बहुत अच्छी पटती थी। और संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी और संन्यास लेने के बाद भी असहयोग आंदोलन में वो गिरफ्तार हुए। उन्होंने जो शुद्धिकरण आंदोलन चलाया, विशेषकर जो राजपूत समाज के और अन्य लोग, उससे कहीं ना कहीं बहुत कट्टरपंथी लोग और मुस्लिम लीग के लोग उनसे बहुत नाराज हुए। आगे चल कर के 1922 में जब मालाबार की हिंसा हुई, तो मालाबार की हिंसा में स्वामी श्रद्धानंद, डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर मुंजे, इन तीनों लोगों ने मालाबार की यात्रा की और वो जो आतंक वहाँ कर था और एक तरफा जो हिंसा थी उसकी उन्होंने निंदा की। इसी बात को लेकर के उनके गांधी जी से मतभेद हुए। वो नहीं चाहते थे कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा जाए, उससे उनके गांधी जी से मतभेद हुए। और आगे चल कर के 23 दिसंबर 1926 को एक व्यक्ति उनके पास आया। वो समय थोड़ी सी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो चांदनी चौक के नया बाजार में वहाँ पर थे और अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे धर्म पर चर्चा करनी है, धर्मांतरण मुझे करना है और लेकिन मैं स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। उसको अनुमति मिली, वो उनके कक्ष में आया, वो रिवाल्वर लेकर के आया और उसने स्वामी जी पर गोली चला दी। ये संभव नहीं है कि कोई एक बच्चा, एक युवक इस तरीके से गोली ला करके उनको गोल मार दे। इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र रहा होगा। जो लोग ये जो घर वापसी अभियान उन्होंने बिहार में चलाया, पंजाब में चलाया, उत्तर प्रदेश में चलाया, उससे जो लोग आहत थे उन्होंने इस बात को योजना बनाई। लेकिन इसके दो दिन बाद में कांग्रेस ने 1900 जो उनके हत्या के तुरंत बाद में 25 तारीख को जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें श्रद्धांजलि सभा रखी। उसमें गांधी जी का जो भाषण था वो थोड़ा सा अलग था। गांधी जी ने इस हत्या को कहीं ना कहीं बहुत एक प्रकार से बचाव किया और उनको कहा कि मैं उसकी वकालत भी करूंगा। गांधी जी का एक सिद्धांत बहुत अलग था, जो भी उसका कारण हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अंग्रेज भी नहीं चाहते थे
कि स्वामी श्रद्धानंद ये घर वापसी अभियान चलाएं। मुस्लिम लीग भी नहीं चाहती थी और कांग्रेस का एक जो समूह था उसके कारण इस हत्या पर कहीं ना कहीं एक पर्दा पड़ा रहा और आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया इसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है। इस प्रकार जो एक ओजस्वी, एक संत, एक क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान 23 दिसंबर 1926 को हुआ। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।